प्रोग्रामन क्यों रखा गया ना? रैखिक प्रोग्रामन का मतलब क्या होता है और इस रैखिक प्रोग्रामन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ना? तो देखिए जो रैखिक प्रोग्रामन होता है यह कुल मिलाकर के रैखिक समीकरण से संबंधित एक चैप्टर है। अब ये चैप्टर इंटर में थोड़ा नया है, हाई स्कूल में पहले आज के 4-5 साल पहले हाई स्कूल में एक टॉपिक रहता था दो चरों राशि वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। उस रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरणों को हल करने की चार विधियां होती थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणनखंड विधि और आलेखीय विधि। आलेखीय विधि का मतलब होता है कि जब दो समीकरणों को हम लोग ग्राफ पेपर की सहायता से, चतुर्थांश की सहायता से हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वही जो आलेखीय विधि का समीकरण होता है उसी समीकरण का यानी उसी चैप्टर को एक नए नाम के रूप में इंटर की कक्षा में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। यानी रैखिक प्रोग्रामन को सही ढंग से हम लोग सीख पाएंगे जब हम लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि की सहायता से हल करना सीख लें। यानी कुल मिलाकर के इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दो चर राशि वाले, कई चर राशि वाले, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर की सहायता से, चतुर्थांश की सहायता से हल करके उसमें जिन जिन दो चरों का प्रयोग किया गया है उन दो चरों के मान को ज्ञात करना है। अब तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि की सहायता से हल करके इसमें दिए गए दोनों चरों का मान प्राप्त करना, तो हम लोग इसको देखेंगे किस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा, किन विधियों के द्वारा हम लोग आलेखी विधि के प्रश्न को यानी ग्राफ पेपर के द्वारा प्रश्नों को हल करते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसकी कुछ मूल बातों को समझ लें। जैसे उदाहरण के लिए समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इंटर में तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस अध्याय को भली भांति समझने के लिए इसकी कुछ मूल बातों को जानना अति आवश्यक है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले समझें चर और अचर क्या होता है, क्योंकि जब चर और अचर के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो इस बात को समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि समीकरण क्या होता है ना? और जब समीकरण समझ जाओगे तो रैखिक समीकरण क्या होता है इस बात को हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में यानी रैखिक प्रोग्रामन में हमें रैखिक समीकरण के बारे में ही अध्ययन करना है ग्राफ पेपर की मदद से, चतुर्थांश की सहायता लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि चर और अचर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए चर ना? जिसे हम लोग कहते हैं कि चर क्या होता है, तो लड़के तुरंत बता देते हैं कि एक्स और वाई चर होता है और 3, 4, 5 ही अचर होता है ना? तो ये चर और अचर की परिभाषा नहीं होती, ये तो चर और अचर के उदाहरण होते हैं ना? चर का मतलब होता है, चर की परिभाषा बताई गई है गणितज्ञों के द्वारा कि किसी परिवर्तनशील राशि को चर कहा जाता है ना? किसी परिवर्तनशील राशि को चर कहा जाता है, यानी गणित में वे राशियां जो परिवर्तनशील हो यानी समय के साथ साथ ना, जिनके मानों में बदलाव होता रहे, जिनके मानों में परिवर्तन होता रहे उसे ही कहते हैं परिवर्तनशील राशि, और परिवर्तनशील राशि को ही कहा गया चर। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए अगर हम किसी से कहें कि हमने एक समीकरण को हल किया, x का मान 3 आया और y का मान 2 आया,
तो बताइए कि किसी अन्य समीकरण में यक्ष का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा, तो साथ यह बताना संभव नहीं है ना? क्योंकि आवश्यक नहीं कि अगर एक समीकरण में यक्ष का मान 3 आ गया और वाई का मान 2 आ गया तो हर समीकरण में यक्ष का मान 3 और वाई का मान 2 ही आएगा ना? क्योंकि इनके मानों में समीकरण की स्थिति के हिसाब से और समय के साथ साथ इनके मानों में परिवर्तन होता रहता है ना? अगर किसी से पूछा जाए कि बताइए एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो क्या इसको बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक हमें यक्ष और वाई के मान न पता हो, क्योंकि एक्स और वाई का कोई फिक्स मान तो होता नहीं कि एक्स बराबर 5 वाई बराबर 6 ना? समीकरण के हिसाब से और समय के साथ साथ इनके मानों में परिवर्तन होता रहता है ना? और जिनके मानों में परिवर्तन होता रहता है वो समीकरण के ऊपर निर्भर करेगा किसका मान कितना होगा ना? तो इसीलिए इनके मान को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया कि परिवर्तनशील राशि को चर कहा जाता है, यानी चर के अंतर्गत ऐसी राशियां आती हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक चर के अंतर्गत आते हैं जिनके मानों में परिवर्तन होता रहता है समीकरण के हिसाब से और समय के साथ साथ जिनके मानों में परिवर्तन हो वही क्या कहलाते हैं? चर। और अचर का मतलब होता है कि अपरिवर्तनशील राशि, वे राशियां जो अपरिवर्तनशील हो, यानी जिसके मानों में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो, उसे कहते हैं अपरिवर्तनशील ना? जैसे हम कहें कि एक्स प्लस वाई का मान बताओ, तो सबसे पहले यही कहोगे कि पहले एक्स और वाई का मान है कितना है तो बताइए। लेकिन हम जैसे ही कहेंगे कि 3 + 4 का मान बताइए, तुरंत बता दोगे किसका मान 7 है ना? क्योंकि इनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है ना? 3 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, इस भाषा को सब लोग समझ रहे हो ना? कोई कहे कि 5 - 2 का मतलब क्या होता है, तुरंत बता दोगे 3। लेकिन अगर हम कहें कि x माइनस वाई का मान कितना होता है तो नहीं बता पाओगे ना? क्योंकि ये चर राशियां हैं, ये परिवर्तनशील राशियां हैं, इनके मानों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। तो बात समझ में आ गई? परिवर्तनशील राशि को चर और अपरिवर्तनशील राशि को अचर कहा जाता है ना? तो चर और अचर हमें समझ में आ गया कि वे राशियां जिनमें परिवर्तन होता रहता है उन्हें चर कहते हैं, और जिनके मानों में कोई परिवर्तन ना हो उसे अचर कहा जाता है ना? अब बात आती है समीकरण की कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण की परिभाषा होती है कि चर और अचर पदों के संबंध को समीकरण कहते हैं, यानी ऐसा संबंध जिसमें कुछ चर का भी प्रयोग किया गया हो। कोई आवश्यक नहीं कि दो ही चर का प्रयोग किया गया हो, अगर एक चर का प्रयोग किया गया है तो यह है, यानी चर का भी समावेश हो, अचर पद का भी समावेश हो, और केवल चर और अचर पदों के संबंध को ही समीकरण नहीं कहते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है कि इसमें कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, यानी बीच में बराबर लिखा हो, कुछ बाएं पक्ष में लिखा हो LHS में और कुछ दाएं पक्ष में लिखा हो RHS में, तब इस संबंध को समीकरण कहा जा सकता। अगर बीच में बराबर ना लिखा हो, 2 पक्ष इसमें ना हो, अगर मैं इसकी बात करूं कि 4x - 3y क्या यह समीकरण है? यह समीकरण नहीं है, यह एक द्विपदीय व्यंजक होता है, 2 पदों वाला व्यंजक। समीकरण कह पाएंगे जब बराबर लिखा लगा हो, उधर चाहे 0 ही क्यों ना लिखा गया हो, 0 लिखा हो, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, सम विषम, कुछ भी लिखा गया हो, लेकिन शर्त यह है कि उसी चर और अचर पदों के संबंध को समीकरण कहा जा सकता है जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया ना? तो ये हो गया समीकरण, चर अचर हो गया, और चर और अचर से बनता है समीकरण।
अब बात आती है रैखिक समीकरण की, क्योंकि रैखिक प्रोग्रामर में जो मेन मुद्दा है वह रैखिक समीकरण का ही है ना? तो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, देखिए समीकरण कई प्रकार के होते हैं ना? लेकिन उसमें से इस अध्याय में हमें पढ़ना है रैखिक समीकरणों के बारे में। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात एक हो, ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात एक हो, ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब यहां कोई घात नहीं लगाई गई है तो घात कितनी मानी जाती है? एक मानी जाती है, और ऐसे समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहा जाता है ना? कुछ भी लिख दिया जाए 3x plus 4y equal to minus 2, यह भी एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इस चर की सबसे बड़ी घात दो है। अगर चर की सबसे बड़ी घात दो हो जाए तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, अगर चर की सबसे बड़ी घात तीन हो जाए इसे त्रिघात समीकरण कहा जाता है, अगर चर की सबसे बड़ी घात चार हो जाए इसे चतुर्थ घात का समीकरण कहा जाता है। 11 पढ़े हो ना, एक टॉपिक था समृष्ट संख्या तथा द्विघात समीकरण ना? तो यहां पे हमें पढ़ना है रैखिक समीकरणों के बारे में। तो ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि रैखिक प्रोग्रामर को हम लोग ठीक ढंग से समझ पाएंगे, इसके सवालों को हल कर पाएंगे, जब हमें चतुर्थांश के बारे में विधिवत जानकारी हो, क्योंकि इसके सारे सवाल लगेंगे ग्राफ पेपर पर ना? और ग्राफ पेपर पर लगाए जाते हैं चतुर्थांश की मदद से ना? ग्राफ पेपर पर जो सवाल अंकित किए जाएंगे रैखिक प्रोग्रामर के जो प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे ग्राफ पेपर पर, वो तो ग्राफ पेपर लगता है चतुर्थांश की मदद से। तो चतुर्थांश सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार मैं सरसरी तौर पे बता देता हूँ, इससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिना इसको समझे हम लोग रैखिक प्रोग्रामर को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे ना? तो हम लोग इसके बाद देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। आज हम लोग इसका बेस तैयार करते हैं और कल से हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए चतुर्थांश यह एक संस्कृत का शब्द है, और चतुर्थांश का अर्थ होता है चार स्थान ना? इस प्रकार की आकृति सब लोगों ने पढ़ा होगा ना? कक्षा 9 में ही दिया गया है, इसी को कहते हैं चतुर्थांश ना? इसमें चार स्थान है, 1, 2, 3, 4, तो इसी आकृति का नाम है चतुर्थांश ना? तो थोड़ा हम लोग इसको बढ़िया ढंग से समझते हैं कि चतुर्थांश कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, और रैखिक प्रोग्रामर में देखिए रेखा गणित में रेखाएं बहुत सी प्रकार की होती है ना? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा, स्पर्श रेखा ना? तो कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, लेकिन रैखिक प्रोग्रामर में जिस चतुर्थांश की आवश्यकता है उसमें हमें दो प्रकार की रेखाओं पर ध्यान देना है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ना? तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है? इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, जो पृथ्वी तल के समांतर हो, ऐसी रेखा को क्षैतिज रेखा, और वह रेखा जो आसमान की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ऐसी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। अगर सामान्य शब्द में बात किया जाए तो जो रेखा पड़ी हो उसे क्षैतिज, और जो रेखा खड़ी हो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यानी पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है।
अब इसके बाद में गणितज्ञों ने क्या किया कि जब रेखा गणित का विस्तार हो गया, चतुर्थांश का विस्तार हुआ, तो क्षैतिज रेखा क्षैतिज रेखा का एक नया नाम दे दिया गया यक्ष अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का एक नया नाम दे दिया गया वाई अक्ष। तो ये नाम ज्यादा प्रचलित है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, और इन्हीं दोनों रेखाओं के योगदान से चतुर्थांश का निर्माण किया जाता है। यानी एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के योगदान से चतुर्थांश का निर्माण होता है। यानी अगर इस ऊर्ध्वाधर रेखा को यहां से पकड़ें और पकड़ करके इस क्षैतिज रेखा के पास ले आए ना, तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से जिन चार आकृतियों का निर्माण होता है, इसी आकृति को गणित में कहा गया चतुर्थांश। अब जब क्षैतिज रेखा यानी यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष एक दूसरे के संपर्क में आए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को कहा गया मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। इसे क्या कहा गया? मूल बिंदु। इसे मूल बिंदु क्यों कहा गया? क्योंकि अक्षों की जो भी दूरी होती है, अक्षों पर जो भी लंबाई नापी जाती है, वह इसी बिंदु से शुरुआत की जाती है उसकी लंबाई, इसलिए इसे कहा गया मूल बिंदु, मेन पॉइंट, जो जड़ है इसका। यानी यहीं से अगर यक्ष अक्ष पे कोई लंबाई नापनी है, कोई दूरी लेनी है, तो उसकी शुरुआत यहां से करेंगे। ऋण दिशा में किसी लंबाई को मापना है तो शुरुआत यहां करेंगे। वाई अक्ष की धन दिशा में किसी दूरी को नापेंगे तो शुरुआत यहां से करेंगे, और वाई अक्ष की ऋण दिशा में किसी दूरी को नापेंगे तो शुरुआत यहां से करेंगे। लेकिन एक समस्या और आ गई, जब यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के संपर्क में आए तो दोनों रेखाएं दो दो भागों में विभाजित हो गई। अगर यक्ष अक्ष की बात किया जाए तो मूल बिंदु ने इस यक्ष अक्ष वाली रेखा को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक रेखा मूल बिंदु के दाईं ओर है और एक रेखा मूल बिंदु के दाईं ओर। यानी यक्ष अक्ष वाली रेखा का विभाजन कितने भागों में हुआ? दो भागों में। एक मूल बिंदु से दाईं ओर और एक मूल बिंदु से दाईं ओर। तो गणितज्ञों ने इस पूरी रेखा का नाम रख दिया यक्ष ओ यक्ष डैश। अब इसी तरह वाई अक्ष वाली रेखा भी दो भागों में विभाजित हो गई, एक मूल बिंदु से ऊपर की ओर और एक मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो इस रेखा का पूरा नाम गणितज्ञों ने रख दिया वाई ओ वाई डैश। यानी यक्ष अक्ष को समग्र रूप में एक्स ओ यक्ष डैश कहा जाता है और वाई अक्ष को समग्र रूप में वाई ओ वाई डैश कहा गया। अब इसके बाद गणितज्ञों के सामने एक समस्या आई। समस्या यह आई कि जो चतुर्थांश का निर्माण हुआ है, इसमें यक्ष अक्ष की भूमिका भी है, वाई अक्ष की भूमिका भी है, तो इसमें महत्व किसको ज्यादा दिया जाए, किसके मान को पहले लिखा जाए और किसके मान को बाद में लिखा जाए। जैसे पढ़े होंगे कि कहीं पे लिखा होता है 3,4, तो यह कहा जाता है कि जो पहला मान है यह यक्ष अक्ष का है और जो दूसरा मान है यह वाई अक्ष का है ना? तो ऐसा क्यों किया गया कि पहले यक्ष अक्ष के मान को ही लिखा गया और दूसरे वाई अक्ष के मान को? पहले वाई अक्ष के मान को क्यों नहीं लिखते, बाद में यक्ष अक्ष के मान को क्यों नहीं लिखते? प्रश्न गणितज्ञों के बीच में एक समस्या उत्पन्न कर दिया। तो गणितज्ञों ने इसका एक समाधान निकाला। समाधान यह निकाला कि उन्होंने कहा कि हम यक्ष अक्ष की दूरी को, यक्ष अक्ष की लंबाई को, यक्ष अक्ष के मान को पहले लिखेंगे और वाई अक्ष के मान को बाद में ना? इसका कारण बताया गया। गणितज्ञों ने कहा कि यक्ष अक्ष का निर्माण स्वयं किया जाता है,
और वाई यक्ष का निर्माण अपने आप हो जाता है। यक्ष अक्ष का निर्माण किया जाता है और वाई यक्ष का निर्माण हो जाता है। हा? अगर हम लोग इसे एक उदाहरण के रूप में देखें, तो जिस कमरे में बैठे हो, जब मिस्त्री इस कमरे का निर्माण कर रहा था, जब मिस्त्री इस कमरे को बना रहा होगा, तो जो ईंट की जोड़ाई किया था मिस्त्री ने, तो ईंटों को यक्ष अक्ष की दिशा में रखा था कि वाई यक्ष की दिशा में। यानी जब हम लोग एक कमरे का निर्माण करते हैं तो ईंटों को एक एक के क्रम में क्षैतिज दिशा में यानी यक्ष अक्ष की दिशा में रखते जाते हैं, ऊंचाई तो अपने आप बनती चली जाती है। यानी यक्ष अक्ष का निर्माण किया जाता है और वाई अक्ष का निर्माण अपने आप हो जाता है। तो यही कारण है कि यक्ष अक्ष के मान को हम लोग पहले लिखते हैं और वाई अक्ष के मान को हम लोग बाद में लिखते हैं। फिर इसके बाद दूसरी समस्या यह आई कि इसमें चिन्हों का बंटवारा कैसे किया जाए। देखिए कुछ बातें होती हैं सिद्धांतिक, उनका कोई नियम नहीं होता। तो गणितज्ञों ने एक नियम बना दिया कि आज से हम बिंदु पर खड़े हो जाएं तो एक रेखा मूल बिंदु से दाईं ओर गई है और एक रेखा मूल बिंदु से बाईं ओर। तो उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया, एक तरीका बना दिया सर्वसम्मति से कि मूल बिंदु से दाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होंगी तथा मूल बिंदु के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो मूल बिंदु से दाईं ओर हम लोग जो भी दूरी नापते हैं वह धनात्मक नापते हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर जो भी दूरी नापते हैं वह ऋणात्मक नापते हैं। यही सिद्धांत वाई अक्ष के साथ भी लागू कर दिया कि वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होंगी और मूल बिंदु से नीचे की ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी ना? तो इस तरीके से अक्षों पर चिन्हों का बंटवारा किया गया ना? अब इसका कोई नियम नहीं है, इधर ही एक्स अक्ष क्यों प्लस क्यों मान लिया गया, इधर माइनस क्यों मान लिया गया, इधर प्लस क्यों नहीं लिया गया, इधर माइनस क्यों नहीं लिया गया। तो कुछ बातें सिद्धांत पे आधारित होती है ना? कि उसको लागू कर दिया गया और सभी लोग उसी नियम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद एक समस्या और आई, समस्या यह आई कि किसी पहला चतुर्थांश माना जाए और चला कैसे जाए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो गणितज्ञों ने इस पे भी एक सिद्धांत लागू कर दिया कि हम लोग आज से गणित में निर्देशांक ज्यामिति में जो भी दूरी नापेंगे वह यक्ष अक्ष की धन दिशा से नापेंगे। देखते हो जो भी दूरी होती है प्रश्नों में, जो भी कोण होता है सब में यही लिखा होता है, इस रेखा का यक्ष अक्ष की धन दिशा से बना कोण इतना है, इस रेखा का यक्ष अक्ष की धन दिशा से बना कोण 45°/60°। कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि इस रेखा का यक्ष अक्ष की धन दिशा से बना कोण 60° है, यक्ष अक्ष की धन दिशा से नापा जाता है। जो चांदा होता है प्रोटेक्टर वही साकार में होता है और ऐसे बना होता है, यक्ष अक्ष की धन दिशा होती है, यक्ष अक्ष की ऋण दिशा होती है। जो भी कोण नापते हो इसी रेखा से नापते हो और चलते कैसे हो ऐसे ना, एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में ना। तो सिद्धांत बना दिया कि जो भी दूरी गणित में नापी जाएगी वह यक्ष अक्ष की धन दिशा से। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि पहला चतुर्थांश यहां से शुरू होगा यक्ष अक्ष की धन दिशा से ना? तो पहला इसे मानेंगे तो क्या दूसरा इसे मान लेंगे, इसके लिए भी एक सिद्धांत बना दिया समस्या से बचने के लिए ना? कि एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे ना? घड़ी की सुई ऐसे चलती है और कोण और दूरी ऐसे चलती है एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में ना? यही कारण है कि पहला चतुर्थांश यहां से प्रारंभ होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दूसरा चतुर्थांश माना जाता है, ये तीसरा माना जाता है और ये चौथा चतुर्थांश माना जाता है ना?
तो इस तरीके से चतुर्थांश का निरूपण किया गया, इस तरीके से चतुर्थांश का निर्माण किया गया। और इसी तरह हम लोग चतुर्थांश को पढ़ते हैं और इन्हीं चिन्ह परिपाटी और दूरी और कोण के मापन के सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करते हैं ना। दूसरी बात, अब प्रत्येक चतुर्थांश में किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक बात क्लियर हो गई कि यक्ष अक्ष के मान को या यक्ष अक्ष के चिन्ह को पहले लिखा जाएगा, वाई अक्ष के मान और चिन्ह को बाद में लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रथम चतुर्थांश की, तो प्रथम चतुर्थांश इन दोनों रेखाओं को मिला करके बना है। इसमें यक्ष वाली रेखा कौन सी है और ये वाई अक्ष वाली रेखा है। तो पहले यक्ष अक्ष के चिन्ह को लिखेंगे कि वाई अक्ष को, यक्ष अक्ष वाली रेखा का चिन्ह क्या है प्लस, वाई वाली रेखा का चिन्ह क्या है प्लस। और यही कारण है कि पहले चतुर्थांश के दोनों चिन्ह धनात्मक होते हैं। अगर कोई तुमसे प्रश्न करे कि कारण क्या है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस को ही रखा गया, तो उसको समझा सकते हो क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश होता है इनको बनाने में जिन दो रेखाओं का योगदान होता है, एक होता है यक्ष अक्ष की धन दिशा, एक होता है वाई अक्ष की धन दिशा। क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस ही होते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों में ना, इसीलिए प्रथम चतुर्थांश के दोनों चिन्ह धनात्मक होते हैं ना। अगर बात करें द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश इन दोनों रेखाओं के योगदान से बना है। किन किन रेखाओं से? यक्ष अक्ष की ऋण दिशा और वाई अक्ष की धन दिशा। तो पहले यक्ष अक्ष के चिन्ह को लिखेंगे कि वाई अक्ष को, यक्ष अक्ष को। तो यक्ष अक्ष का चिन्ह ऋणात्मक है और वाई अक्ष का चिन्ह धनात्मक है, और यही कारण है कि दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है। ना? ये तो पता था कि माइनस प्लस होता है, क्यों होता है इस बात की भी जानकारी मिल गई ना। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें ना, तो जो तीसरा चतुर्थांश होता है, देखिए एक कुल मिलाकर के पार्ट है कक्षा 9 का, ठीक है, लेकिन अन्यत्र कई जगह से बच्चे पढ़ के आए हैं, सबको उस तरीके की जानकारी नहीं होगी, इसलिए बता दिया गया। जिसको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो सब लोग लेवल में आ जाओ। अब अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें, तो तीसरा चतुर्थांश दो रेखाओं के योगदान से बना है, एक यक्ष अक्ष की ऋण दिशा और एक वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो यक्ष अक्ष की ऋण दिशा यानी माइनस और वाई अक्ष की ऋण दिशा यानी माइनस, और यही कारण है कि तीसरे चतुर्थांश के दोनों चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। अब अगर चौथे चतुर्थांश की बात किया जाए, तो चौथा चतुर्थांश इन दोनों रेखाओं के योगदान से बनाया गया, यानी यक्ष अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो पहले यक्ष अक्ष के चिन्ह को लिखेंगे कि वाई अक्ष के चिन्ह को, तो यक्ष अक्ष की धन दिशा यानी प्लस और वाई अक्ष की दिशा यानी माइनस। और यही कारण होता है कि चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है ना। यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। अब देखिए इतना तो हम लोग समझ गए, लेकिन चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश की आवश्यकता गणित में पड़ी क्यों ना, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल साधारण शब्द में समझिए कि चतुर्थांश का सामान्य अर्थ होता है संख्याओं का निवास स्थान, संख्याओं का मकान। यानी जैसे इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबका एक निश्चित निवास स्थान है, सबका एक मकान है, उसी प्रकार गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, वो चाहे धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, शून्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, भिन्नात्मक हो, दशमलव में हो, करणी के अंदर हो, करणी के बाहर हो, ना? सभी संख्याओं का एक निवास स्थान होता है, और संख्याओं के निवास स्थान को ही गणित की भाषा में नाम दिया गया चतुर्थांश। क्या नाम दिया गया? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब होता है संख्याओं का निवास स्थान ना? अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसे मान लिया जाए, अगर हम प्रश्न करें कि निम्नलिखित संख्याएं किस चतुर्थांश में निवास करेगी, -4, -5, -4, -2, -3, ठीक है, 0, -5,
इस तरीके से हमने कुछ संख्याएं लिख दिया और पता करना है कि ये संख्याएं इस चतुर्थांश में निवास करेगी। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें कि पहला चतुर्थांश पहली संख्या जो है माइनस तीन का व माइनस चार ये किस चतुर्थांश में होगी ना। देखिए संख्या कितनी लिखी गई है, तीन लिखी गई है कि 3000 लिखी गई है, चार है कि 4000 लिखा गया है, इससे मतलब नहीं होता। मतलब केवल उन संख्याओं के चिन्ह से होता है ना, इनका चिन्ह क्या है और चिन्ह को देख करके चिन्ह की मदद से हम बताते हैं कि कौन सी संख्या किस चतुर्थांश में होगी। yes. अगर हम लोग इसकी बात करें पहले नंबर पे जो लिखा है माइनस तीन कामा माइनस चार, ठीक है, तो हम इसके पास गए ना? तो सबसे पहले हम इनके चिन्हों पर विचार करेंगे। अगर पहली संख्या को देखा जाए तो पहली संख्या के साथ लिखा है माइनस ना? और दूसरी संख्या के साथ भी लिखा है माइनस, यानी इसके दोनों चिन्ह ऋणात्मक है ना। अगर हम पहले चतुर्थांश में गए तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ प्लस प्लस लिखा है और यहाँ माइनस माइनस लिखा है। अगर दूसरे चतुर्थांश में गए तो एक तो सिद्ध हो गया लेकिन दूसरा वाला गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लस और है माइनस। अगर तीसरे में गए तो बिल्कुल सिद्ध हो गया ना? तो सिद्ध किसमें हुआ, तीसरे में। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस तीन कामा माइनस चार तृतीय चतुर्थांश में निवास करेगा। इसी तरीके से जो पांच कामा माइनस चार है एक इसका एक चिन्ह प्लस है और दूसरा माइनस, कहां स्थित होगा, चतुर्थ में ना? दो कामा तीन के दोनों चिन्ह ऋणात्मक है, कुछ ना लिखा हो तो प्लस माना जाता है और चिन्ह सदैव संख्या के बाईं ओर लिखा होता है। तीन के दोनों चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में निवास करे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें जीरो कामा पांच कहां स्थित होगा, इस बात का ध्यान देना कि जब दो संख्याओं में कोई एक संख्या शून्य हो जाए, चाहे पहली संख्या चाहे दूसरी संख्या, तो यह किसी भी चतुर्थांश में निवास नहीं करती ना? जैसे अभी हमने एक बात गलत बताया कि संसार में जितने व्यक्ति हैं सबका एक निश्चित निवास स्थान है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपना स्वयं का निवास स्थान नहीं है और रात को बेचारे सड़कों पर सो जाते हैं ना? तो कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं कि जो किसी भी चतुर्थांश में निवास नहीं करती, वो सड़कों पर रहती हैं, और सड़क कहने का मतलब हुआ चतुर्थांश के जो अक्ष है ना? अच्छे हैं तो कुछ इस पर भी निवास करती है ना? तो वे सभी संख्याएं जिनमें कोई एक मान शून्य हो जाए वह किसी भी चतुर्थांश में निवास नहीं करती, वो कहां होती है, अक्ष पर। अब अक्ष पर किस